यहाँ के पुरुष महिलाएं और बच्चे फुर्सत के समय कड़ी ठंड से बचने के लिए ऊन काटते हैं। कुल्लू के बहुत से लोग दिन भर तकली पर ऊन काटने का काम करते हैं। पट्टू या कंबल बनाना इस घाटी का मुख्य उद्योग है। काफी धुलाई के बाद ये पट्टू नरम हो जाते हैं। कुल्लू में पानी की कमी नहीं। इस घाटी में कई जल चक्कियां हैं जिनसे अनाज पीसा जाता है। कुछ तरक्की पसंद लोग चावल की भूसी हटाने के काम में नई मशीनों का उपयोग करते हैं। यात्रियों के लिए कुल्लू स्वर्ग के समान है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले ऊंची चोटियों को देखकर फूले नहीं समाते। कुछ कम साहसी लोग इस घाटी में ही अपना मन बहला लेते हैं। नगर से मनाली तक का मार्ग बड़ा ही सुहाना है। इस घाटी में मीलों लंबे चावल के खेत हैं। ये हरियाली इस घाटी के रहने वालों की आशाओं की हरियाली है। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच खेतों में अनाज काटते हुए लोगों को देखकर आप उनकी खुशी का अंदाजा लगा सकेंगे। आप यही सोचेंगे कि प्रकृति की छाया में हम यहाँ इसी तरह विहार करते रहें। जगत सुख नामक गांव में से होती हुई ये सड़क तेजी से बहने वाली दो नदियों को पार कर मनाली पहुंचती है। मनाली एक बड़ा ही सुंदर स्थान है। यहाँ देवदार के घने जंगलों में 700 वर्ष पहले बनाया गया डोंगरी का मंदिर है। मनाली से यात्रा शुरू कर दर्रा रोहतांग में से होते हुए लोग पुराने जमाने से लाहौल और लद्दाख की मंडियों में व्यापार करते आ रहे हैं। ब्यास नदी के किनारे किनारे कोटी तक की यात्रा में आप आनंद का अनुभव करेंगे। लाहौल के मैदान से लोग भेड़ों के जरिए इसी रास्ते से अपना माल कुल्लू की मंडी में पहुंचाते हैं। सामान से लदे हुए सीधे साधे पशु लद्दाख के मैदानों में से हो ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता इस दर्रे के उस ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाता है जो ब्यास नदी के उद्गम स्थान के पास है। 40 फुट की ऊंचाई से उछलती हुई ये नदी 350 मील का सफर तय करती है। अक्टूबर महीने में पहाड़ी इलाकों के लोग इसी रास्ते से ऊन, नमदे और कंबल जैसी चीजों को कुल्लू में होने वाले दशहरे के मेले में पहुंचा देते हैं। इस घाटी में लोग दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। उस दिन देवदार के वृक्षों से घिरे हुए कुल्लू के मैदान में घाटी के सभी देवता लाए जाते हैं। इन देवताओं में रघुनाथ जी प्रमुख हैं। मेले के मैदान तक जाने वाली हर सड़क और पगडंडी पर रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोगों की भीड़ लग जाती है। ये लोग जुलूस के रूप में अपने ग्राम देवताओं की मूर्तियों को मेले में ले जा रहे हैं। पहले दिन गहनों और रंग बिरंगे फूलों से सजे हुए रथ में रघुनाथ जी की मूर्ति रखी जाती है। इस रथ यात्रा में सभी लोग उत्साह से भाग लेते हैं। भजन मंडली के गीतों से आकाश गूंज उठता है। रथ कुल्लू के मैदान की ओर आगे बढ़ता जाता है। कुल्लू वासियों के साथ रूपी और सांगरी के राजा घाटी के देवता के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए आए हैं। मेले में हाथ के कटे हुए सूत के कपड़े, यहाँ के बने हुए दुशालों और कंबलों का खूब व्यापार होता है। ऐसे मेलों में ये लोग धार्मिक कथाओं के आधार पर नृत्य करते हैं। यहाँ लाहौल और तिब्बत के नट लोग भी अपना कमाल दिखाने में पीछे नहीं रहते। अपनी प्राचीन वेशभूषा को धारण कर ये लोग झूम झूम कर नृत्य करते हैं। घाटी की सुंदरियां इनकी कला को देखकर ध्यान में डूब जाती हैं। इस तरह आनंद और उल्लास का एक सप्ताह समाप्त हुआ। मीठी याद के साथ अगले साल इस रमणीय घाटी की फिर यात्रा करने की आशा लेकर हम यहाँ से रवाना हुए।